स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं के लिए मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ। बच्चे पूछते हैं, मैम यूपी टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर दिया, पेपर अभी नहीं हो रहा, कब तक होगा कब तक होगा। मुख्य सेविका का फॉर्म भर दिया मैम, पेपर कब होगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर कब होगा। DSSSB का पेपर कब होगा। तो देखिए, ये जितनी मैंने लिखा है, ये इन सब के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपका CTEC का फॉर्म भरा जा रहा है, DSSSB का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हो, भरे जा रहे हैं अभी। पर यूपी TGT और PGT का आप और मुख्य सेविका का फॉर्म भर सकते हो। तो CTEC का जो पेपर है वो आपका दिसंबर में ही है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो जो बच्चे आने वाली भर्ती में प्राइमरी की और आगे आने वाली भर्ती जो आपकी यूपी TGT की होगी या PGT की होगी, उसमें भी आपका धीरे से CTEC या टेट जो जूनियर लेवल का है वो भी लागू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चे, जो दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए आप अपना जो CTEC है उसका फॉर्म भरो और अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना प्राइमरी और जूनियर CTEC क्लियर कर लो, जिनका नहीं क्लियर है। साथ ही अपनी जैसे ही CTEC का पेपर का फिनिश होता है, आप फिर से लग जाओ अपनी यूपी TGT और PGT की परीक्षा के लिए, क्योंकि आपकी यूपी TGT और PGT की परीक्षा अगले साल आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आप थोड़ा फोकस कर लो, जिनको पेपर देना CTEC का तो फोकस कर ले अपने CTEC की तैयारी पे, और जो लोग नहीं दे रहे हैं तो आप, जिन्होंने यूपी TGT PGT का फॉर्म भरा है, मुख्य सेविका का फॉर्म भरा है, DSSSB का फॉर्म भरा है, तो वो इन सब पे फोकस करें, क्योंकि आने वाला जो अगला साल है उसमें ये सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी और फिर आपके पास मौका नहीं बचेगा। देखिए, इन परीक्षाओं में क्या है, इन परीक्षाओं में ये नहीं है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आएगी, फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर आप पेपर दोगे, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फॉर्म भर चुके हो आप, आपका यूपी TGT PGT का फॉर्म भर चुका है, मुख्य सेविका का फॉर्म भर चुका है, DSSSB का एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब DSSSB का फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। इनका बस पेपर ही होना, पेपर के बाद रिजल्ट आना है। टाइम तो उन चीज़ों में लगता है जिनका अभी फॉर्म ही नहीं आया है, नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ, वो कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये आपके लिए एक, समझ लीजिए, लास्ट मौका है, अंतिम मौका है। बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति आपकी लागू होने जा रही है, आयोग का गठन भी सारी चीज़ों का एक हो जाएगा, चाहे प्राइमरी हो चाहे माध्यमिक हो, सबके लिए एक आयोग गठित कर दिया जाएगा। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, तो आने वाले समय में चेंजेस कर दिए जाएंगे आपके यूपी TGT और PGT में भी। आपको से टेट मांगा जाएगा, चाहे आप CTEC हो या यूपी टेट हो। तो जिनका क्लियर नहीं है तो वो इस चीज़ को क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़े और अपनी यूपी TGT और PGT की तैयारी करते रहे, मुख्य सेविका की, DSSSB की तैयारी करते रहे। देखिए, एग्ज़ाम आपको एकदम से इसकी डेट आ जाएगी कि हाँ, आपको TGT PGT में बताया गया कि 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तब आप परेशान हो जाओगे। आप 1 घंटा ही पढ़ो यूपी TGT PGT के लिए, पर कोई ना कोई टॉपिक फिनिश करते जाओ। और आप देखोगे, होम साइंस सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आपको समझ ही नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से ना स्टार्ट करें। तो आपको जो सब्जेक्ट जो इजी लगता हो वही उठा लो, उसी से पढ़ना स्टार्ट करो, उसी के सारे नोट्स तैयार कर लो। तो थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि अभी मौका है, पेपर आपका अगले साल ही होगा, पर ये अंतिम मौका है आपके लिए। मुख्य सेविका की भर्ती अभी आई है, अभी ये नहीं कि फिर से आएगी, ऐसा नहीं है। यूपी TGT PGT की भर्ती, फॉर्म भरे जा चुके, पेपर होना है, तो अभी आप इन्हीं भर्तियों को देखो और जी जान लगा दो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपके आने वाले भविष्य में कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं। जो लोग किसी कारणवश इन भर्तियों के लिए फॉर्म नहीं डाल पाए, तो उनके लिए कौन कौन सी भर्तियों के मौके हैं, वो कौन से पेपर की तैयारी करें तो उनके लिए मौका है। तो आप लोग से यही सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले जिनका CTEC क्लियर नहीं है तो बच्चे
1 to 5th और 6 to 8 दोनों ही सीटें क्लियर कर लो कि आने वाले समय में कोई भी भर्ती UPTGDPGT की आए तो उसमें आपको फॉर्म भरने से रोक ना पाओ अपने आप को। आप फॉर्म भर लो और मुख्य सेविका की तैयारी करते रहो। अभी कोई भी इसके बारे में न्यूज़ नहीं है कि पेपर कब होगा, पर फॉर्म भरा लिया गया है तो पेपर भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ईयर तो आपको इसका पेपर देखने को मिलेगा ही, इस साल तो नहीं है इसका पेपर। DSSB का एग्ज़ाम भी आपको अगले साल ही देखने को मिलेगा, इस साल नहीं है। तो आप इन सब की तैयारी करो। सीटेक का ही इस साल पेपर आप देखो दोगे। प्राइमरी जूनियर का दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो टाइम बहुत कम है। तैयारी को अच्छा सा मोड़ दो और जितनी भी कमियां उनको दूर करो और एक अच्छा स्कोर तैयार करो। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें बताएंगे कि कौन सी भर्तियां आपके सामने हैं, कौन सी भर्तियां आने वाली हैं जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो और एक अच्छी खासी पद को प्राप्त कर सकते हो। स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी चाहे आप कोई सा भी फॉर्म भरे हो। तो ये भर्तियाँ आपके लिए एक अंतिम अवसर है, एक अंतिम मौका है। बार बार ये मौका नहीं मिलता है। जिन्होंने फॉर्म भरा है वो इन सब की तैयारी करते रहे। आपको पेपर जल्दी देखने को मिलेगा और आपको रिवीजन करने का पढ़ने का टाइम भी फिर नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो जो समय मिल रहा है उसको यूज़ करो और अपने कोर्स को एक बार क्या फिनिश कर दो, जिससे एग्ज़ाम डेट आएगी तो रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके आप अपना क्वेश्चन का आंसर जान सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।